पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार पंजाब में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका पहला संकेत उन्होंने बरगाड़ी के गांव जवाहर सिंह वाला में दिया, जहां उन्होंने कोटकपुरा और बहिबल कला गोलीकांड की SIT जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। इसके साथ ही सिद्धू ने यह संकेत दिए कि वे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा SIT की जाँच रिपोर्ट को रद्द किए जाने पर भी सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा है। आज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रंजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक कीती सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की, तो जड़ी इस बेअदबी कांड की कौर विजय प्रताप जी की रिपोर्ट है, उन्हें सार्वजनिक किया जाए, उन्हें पब्लिक च रखा जाए और लोगों सन्मुख किया जाए, जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट विधानसभा च रख के पब्लिक की गई थी। भाई जी, कानून कदे भी देख लियो तत्थां दे आधार दे उत्ते फैसले करता है, ते जे तत्थ ही कमजोर हो और तत्थ पेश करन वाले कमजोर हो ते फिर फैसले भी उही होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मतभेद और कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सियासी तौर पर चुप्पी साधे रहे नवजोत सिद्धू का हाल ही में कैप्टन के साथ हुई दो बेनतीजा मुलाकातों के बाद ट्विटर पर इशारों में अपने और कैप्टन के संबंधों पर उंगली उठाते रहे हैं। इसके बाद जैसे ही उन्होंने पटियाला में रैली की, उससे साफ हो गया कि उन्होंने कांग्रेस से दूर होने का मन बना लिया है और आने वाले कुछ महीनों में वे अपनी पार्टी बना सकते हैं। दरअसल इस बार सिद्धू ने सियासी सक्रियता बढ़ाने के लिए किसान आंदोलन के साथ खुद को जोड़ने की कवायद शुरू की है। इसके जरिए वे जहां केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं कैप्टन सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कैप्टन के साथ भेदभाव के बावजूद सिद्धू ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की थी, न ही उन्होंने खुलकर कैप्टन का किसी मसले पर विरोध किया था। लेकिन बदलते परिदृश्य में यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने सामने कोई बड़ी चुनौती न होने का भ्रम पाल चुकी पंजाब कांग्रेस के लिए सिद्धू ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं। माना जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव में कैप्टन के मुकाबले में उतर सकते हैं।